सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो गाइज, आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ अपना नया घर जो मेरा बन रहा है। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, 50% काम हो चुका है, 50% बाकी है। आज मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि कहाँ पे मेरा नया घर बन रहा है। मैं आप लोग को बता दूँ, बहुत ही ज़बरदस्त जगह पे मेरा नया घर बन रहा है और वो जगह मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि वो जगह पॉल्यूशन फ्री है, वहाँ पे बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं है और एकदम ग्रीनरी है। वहाँ का इन्वायरमेंट भी बहुत ही अच्छा है, एकदम शांत माहौल है। सो इसी वजह से मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। अगर अच्छा नहीं होता तो मैं नहीं दिखाता, लेकिन मुझे वो जगह बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसी वजह से इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपना नया घर दिखाऊंगा, साथ ही साथ वहाँ वो कैसा जगह है वो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग रहेगा। सो गाइस, अभी मैं जहाँ पे रहता हूँ वो जगह इस जगह से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पे है। सो इसी वजह से अभी फ़िलहाल हम लोग ट्रेन से चलेंगे। सो सबसे पहले चलते हैं स्टेशन। सो गाइस, फ़िलहाल मैं स्टेशन पे पहुँच चुका हूँ, ये आप देख सकते हो स्टेशन का ये सीन है। सो अभी भी ट्रेन के आने में लगभग 10 मिनट बाकी है। सो अभी फ़िलहाल वेट करते हैं और मेरे सामने में ही एक चाय का दुकान है, आप देख सकते हो। सो वहाँ पर अभी चलते हैं चाय पीने, तब तक टाइम भी पास हो जाएगा। सो चलिए चाय पीते हैं। कभी एक चाय दे दो। अभी मैं आप लोगों को चाय पी के बताता हूँ कैसा है। स्वादिष्ट है, टेस्टी। सुबह सुबह चाय पीने का मज़ा ही अलग होता है, वो भी खास करके टपरी पे आकर। टपरी का चाय बहुत ही स्वादिष्ट होता है। सो गाइस, चाय पीकर तो आ गए और अभी वेट करते हैं ट्रेन का। अभी आप देख सकते हो धीरे धीरे स्टेशन बढ़ने लगा है। सो अभी से लगभग 5 मिनट के बाद ही ट्रेन है। सो वेट करते हैं ट्रेन का। सो गाइस, फाइनली लगभग 10-15 मिनट वेट करने के बाद ट्रेन आ रही है और अभी हम जाने वाले हैं। तो चलते हैं अंदर। सो गाइस, अभी उस स्टेशन पे पहुंच चुके हैं जहाँ से लगभग 200 मीटर दूरी पे मेरा घर है। सो जगह का नाम तो नहीं बता सकते क्योंकि प्राइवेसी भी थोड़ा बहुत होना चाहिए। सो इस वजह से जगह का नाम नहीं बता रहे। यहाँ से लगभग 200 मीटर दूरी पे मेरा घर है। सो चलते हैं। सो गाइस, सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाए और अभी 9 बज चुका है। सो अभी चलते हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि देखिए अभी मैं घर पर अकेला हूँ और इतना सुबह सुबह खाना बना पाना मुश्किल है थोड़ा सा, और रोज़ रोज़ यहाँ पर आना पड़ता है मुझे देखने के लिए। सो इसी वजह से खाना तो नहीं बना पाते हैं। सो फिलहाल अभी चलते हैं नाश्ता करने के लिए, वहाँ पे नाश्ता करके उसके बाद डायरेक्ट चलेंगे घर देखने। और यहाँ से थोड़ी दूर पे मतलब जहाँ पे हम नाश्ता करते हैं वो जगह है। सो चलते हैं। सो गाइस, सामने में जो फैन दिख रहा है वहीं पर अभी हम नाश्ता करने वाले हैं। और रोड साइड पराठा खाने का मज़ा ही अलग होता है, यहाँ का पराठा बहुत टेस्टी लगता है। सो अभी खाएँगे। प्रिंट दिए दो। प्रिंट पराठा दिए दो। हाँ खा लो। हाँ दिए दो। बहुत गर्म है, नहीं ये गर्म है। सो गाइस, फाइनली नाश्ता भी कर लिए हैं और अब फाइनली चलते हैं घर देखने के लिए। यहाँ से लगभग 2-3 मिनट की दूरी पे ही है। तो चलिए मैं आपको फाइनली अपना घर दिखाता हूँ। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, क्या ही बोल सकते हैं गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो बालू गिरा हुआ है और ये हमारा ही बालू है।
और हमारा ही घर बनने के लिए जा रहे हैं। सो यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर अपना घर है, सो चलिए चलते हैं अंदर। सो गाइस फाइनली ये हमारा घर जो अभी नया घर बन रहा है, आप पीछे देख सकते हो। अभी मैं आप लोग को सामने से भी दिखाने वाला हूँ। यहाँ का आप माहौल देखिए, इन्वायरमेंट देखिए, कितना ही ग्रीनरी है और बहुत ही मस्त है, पॉल्यूशन फ्री है एकदम। सो चलिए मैं आप लोग को सामने सब दिखाता हूँ। सो गाइस फाइनली अपने घर के पास पहुँच चुके हैं। चलिए अंदर जाके मैं आपको घर का टूर देता हूँ, जितना अभी तक बना है। वैसे ढलाई तो हो चुका है ये आप देख सकते हो, और आज काम बंद चल रहा है। सो सोचा आप लोग को आज अपने घर का टूर दे दूँ। सो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये है एंट्रेंस, और यहाँ पे वॉशरूम बनेगा। ये जो प्लेस है, ये जगह पे इतना दूर तक वॉशरूम बनेगा इस जगह पे। इसके अलावा आइए मैं आपको रूम का टूर देता हूँ। सो इस जगह पे किचन बन जाएगा। ये जो दीवार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक किचन बनेगा। आप देख सकते हो ढलाई हो चुका है, ऊपर में एक छोटा सा रेक भी है सामान रखने के लिए। इसके अलावा ये हमारा फर्स्ट रूम, आप देख सकते हो बाहर की तरफ एक विंडो है, और यहाँ से भी एक रास्ता हमने दिया हुआ है जहाँ से हम लोग बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा गली टाइप का है, ये आप देख सकते हो। ये देखिए अभी सारा बांस लगा हुआ, तो उतना आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। सो ये छोटा सा गली है जहाँ से बाहर निकल सकते हैं। इस वजह से इस रूम में भी हमने एक दरवाज़ा दे दिया है, ये आप देख सकते हो। और 4-5 दिन में ये बांस खुल जाएगा, फिर से काम स्टार्ट हो जाएगा। सो ये फर्स्ट रूम था, और ये था किचन। ये आप देख सकते हो इतने जगह में किचन बनेगा, ये दीवार से लेके वहाँ तक किचन बनेगा और यहाँ तक। फिर इसके अलावा ये हमारा सेकेंड रूम, ये आप देख सकते हो। अभी इसमें आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिख रहा है, और इसमें भी बाहर की तरफ एक विंडो दिया गया है। इसमें हो सकता है मैं अपना स्टूडियो बनाऊं। सो ये रहा मेरा सेकेंड रूम, और ये है थर्ड रूम, ये आप देख सकते हो। इसमें भी एक विंडो है, और अभी ये ढलाई हुआ है, ये आप देख सकते हो। सो आइए मैं आपको छत का टूर देता हूँ। सो यही तीन रूम है, एक किचन है, और यहाँ पे दो बाथरूम बनने वाला है इस प्लेस पे। ये जो जगह छूटा है, यहाँ बाथरूम बन जाएगा, और यहाँ पे ये छोटा सा एक हॉल हो जाएगा। यहाँ से ये दीवार से लेकर ये पिलर तक, ये आप देख सकते हो, मैं आप पीछे से दिखाता हूँ। सो अभी फ़िलहाल मैं किचन में हूँ। यहाँ से आप देख सकते हो ये इतना जगह पे, ये आप देख सकते हो यहाँ तक हॉल रहेगा, ये दीवार तक। सो आइए मैं आपको छत का टूर देता हूँ। सो यहाँ से अपना सीढ़ी स्टार्ट होता है। सो चलिए मैं छत पे चलता हूँ। सो ये आप देख सकते हो, ऊपर मैं आ रहा हूँ अभी। यहाँ से सीढ़ी पर एक विंडो दे दिया गया है, और यहाँ से ऊपर अब जाएंगे। यहाँ से आप फिलहाल ये देख सकते हो कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ का। सो चलिए अब ऊपर चलते हैं। ये आप देख सकते हो पूरा छत ढलाई हो चुका है। सो कुछ ऐसा है छत, इतना बड़ा है, ठीक ही ठाक है, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो इतना दूर तक है, सारा काम हो चुका है, बस ऊपर में यहाँ से एक और छोटा सा उठेगा सीढ़ी ढकने के लिए, छत उठेगा यहाँ से। अरे यार, सो ये आप देख सकते हो ये एरिया कुछ ऐसा दिखने में है यहाँ का। सबसे अच्छा मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट लगा, क्योंकि बहुत ही क्लीन है, यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई धुआं नहीं है, एकदम क्लीन है, और बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पे। आप देख सकते हो पूरा खुला खुला एरिया है, शाम को छत पे बहुत अच्छा लगेगा, ठंडा ठंडा हवा भी चलता है, आप ये देख सकते हो पूरा खुला खुला एरिया है। सो आई होप आपको हमारा घर अच्छा लगा होगा। तीन रूम का है, 3 BHK आप बोल सकते हो, 3 रूम, हॉल, किचन, बाथरूम, और ये एक छत है। सो आई होप आपको हमारा घर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, और बगल में ही हमारे
फ्रेंड्स लोग का भी बन रहा है, हमारे जो पहले नेबर हुआ करते थे जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे उन लोगों का भी अभी बन रहा है। सो अभी आप देख सकते हो कुछ इतना बन चुका है। सबसे पहले हम ही लोग का तैयार होने वाला है और अगस्त में हो सकता है हम लोग यहाँ पे एंटर कर सकते हैं अगस्त में। सो चलिए नीचे चलते हैं। आई होप आपको हमारा घर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।